स्क्रीन पर दिख रही ये भीड़ कांवड़ियों की है। ये कांवड़िए हरिद्वार से हरियाणा की तरफ गंगा जल लेकर जा रहे थे, जिसमें पुल पार करते समय पुल पतला होने की वजह से सामने से आ रही बाइक से उनके समूह की टक्कर हो गई, जिसके बाद उनका गंगा जल गिर गया और कांवड़ियों ने बाइक मालिक से अभद्रता की और उनके साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ मारपीट की और बाद में मोटरसाइकिल को यानी कि बाइक को भी तोड़ दिया, उसमें भी उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इन सब के बाद बाइक मालिक ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की और इसके बाद उन्होंने भीड़ में बाइक को तोड़ने वालों को चिन्हित कर उन्हें आइडेंटिफाई कर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कांवड़ियों द्वारा ले जाया जा रहे गंगा जल जो गिर गया था उसका भी उन्हें इंतज़ाम करवा दिया गया था बाद में और उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि भीड़ ने काफ़ी ज़्यादा बाइक में तोड़फोड़ की, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है सिटी SP का। जी हाँ, बीती रात में ये गागलहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हिंडन का पुल पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोगों का समूह जा रहा था जो हरिद्वार से जल लेकर हरियाणा की तरफ जा रहा था। पुल सकरा होने की वजह से एक जो बाइक सवार थे, दो युवक थे उसमें, जो गागलहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत की जो कोको कोला की फैक्ट्री है वहाँ से कार्य करके आ रहे थे, अपना वापस घर जा रहे थे। उनकी बाइक से जो वो कांवड़ लेके जा रहे थे उसमें हल्की सी टक्कर लगी, जिससे उनका कहना है भीड़ का कि उनका जो कांवड़ है वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे थोड़ा विवाद किया, वहाँ पे उनके बीच में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो बाइक सवार युवक थे उनकी बाइक को क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया गया। उसमें वहाँ पर समय में स्थानीय लोग और जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँच कर कांवड़ियों को समझाया गया, उनको गंगा जल की व्यवस्था कराई गई और उनको उनके गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया। जो इसमें युवक थे जिनके द्वारा ये हंगामा किया गया था उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है और उसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।